में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकामयाब साबित हो रही है, जिसके चलते अपराधियों के हौसले इन दिनों इतने बुलंद हैं कि वे दिन दहाड़े भी चोरी की वारदात को अंजाम देने में पीछे नहीं हटते। ऐसा ही मामला साई टाउनशिप में देखने को मिला, जहाँ एक सूने घर में चोर माल लेकर संपत हो गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। इस चोरी के मामले में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई, लेकिन अभी तक पुलिस चोरों की पहुंच से बहुत दूर है। हालांकि पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो चोरों का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके आधार पर जल्द ही उनकी गिरफ्तारी संभव भी है। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें सीसीटीवी कैमरे में चोरों के चेहरे कैद हुए हों। इसके पहले भी कई बार अपराधियों के चेहरे सीसीटीवी में कैद हुए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाई है। ब्रासलेट था, अंगूठी, दो जोड़ी कान के। एक मिनट बस, वो फोटो निकाल के फिर निकल जाए, बात करते हैं। ये बेसिकली आज की जो घटना है उसके अंदर साई कॉलोनी में दो लड़के थे और उसमें गाड़ी से आए हुए थे चोरी करने के इरादे से, मगर जैसे ही फिर घर का मालिक अंदर आया है तो उसको हथियार दिखाकर जो है वो उन्होंने वहाँ पे सामान वामान भी चुरा के लेके गए हैं। तो बेसिकली लूट का मुकदमा हम लोग पंजीबद्ध करवा रहे हैं और आगे कार्रवाई भी करवा रहे हैं। बाकी पिछले कुछ दिनों में जो जो घटनाएं हुई है उसके लिए हमारी पुलिस लगी हुई है। राघोगढ़ की एक अलग घटना है जहाँ पे कुछ बंजारे समाज के लोगों की सूचना भी आई है और एक दो दिन में हम लोग उसको मोस्ट प्रोबेबली ट्रेस भी कर लेंगे। हमारे पास कुछ चीज़ें भी है उसके अंदर और पिछली जो चेन स्नैचिंग वगैरह की लूटे हैं उसमें भी हमारी टीमें लगी हुई है, जल्द भी उसका भी निराकरण किया जाए। सर, अवैध हथियारों के बलबूते पे लगातार ये जानकारी अभी इस तरीके की जो फरियादी से हम लोग बात करने के बाद में जानकारी आ रही है, मगर अब जैसे ही हम लोग इसमें पकड़ धकड़ करेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या कहाँ से ये आ रहे हैं और उस पर भी अंकुश लगाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे।